हरिओम। परम पूज्य बापू, परम पूज्य नंदाई और परम पूज्य सुचित दादा का सुमिरन करके मैं शैलजा वीरा बांदेकर अपना अनुभव कथन करती हूँ। मेरा बेटा निमेश, जिसका जन्म 6 अक्टूबर 1995 में हुआ, लड़का हुआ इस खुशी में ही हम दोनों थे कि दूसरे ही दिन डॉक्टर ने आके कहा, आपके बेटे को जन्म से ही हृदय में कुछ दोष है। 10-12 दिनों के बाद उसे जसलोक अस्पताल ले जाना, शायद उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं तो पूरी तरह हड़बड़ा गई। वह रात मैंने अस्पताल में बैठकर ही बिताई। उस दिन से मैंने मेरा चैन, मेरी नींद खो दी। निमिष का हर 6 महीने या 3 महीने में हम 2D एको करवाते थे, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि उसे TOF यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ये हार्ट के बारे में कुछ दोष है। मतलब उसके हृदय में 2 छेद थे, जिसके कारण अशुद्ध खून शुद्ध खून में मिल जाता था, मिक्स हो जाता था। परिणामवश उसके ब्रेन को भी अशुद्ध खून ही मिलता था। इस तरह के संकट में घेरे हुए हमें भगवान की कृपा से 1998 में परम पूज्य बापू के बारे में पता चला। तुरंत ही हम सुचित दादा के पास निमिष के सब रिपोर्ट्स लेकर गए। 8 दिनों के बाद दादा ने हमें परम पूज्य बापू का संदेश दिलाया, इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वो कब और कहाँ करना है ये वक्त आने पर बताऊंगा। परम पूज्य बापू के यहाँ आने के पहले हम कहाँ कहाँ भटकते रहे। जब कोई हमें किसी ज्योतिष या गुरु के बारे में बताता था तो हम वहाँ जाते। कोई हमें नाग बलि करने को कहता, कोई हमें मंदिर में जाकर चांदी के नाग की प्रतिमा अर्पण करने के लिए कहता था। ये सब करते करते हम इतने तंग आ चुके थे। और जब हमने बापू के ये आश्वासक शब्द सुने तो हमें विश्वास हो गया कि बापू कोई और ही सबसे निराला है। यस, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट। बापू ने हमें झूठी तसल्ली या झूठा दिलासा नहीं दिलाया, बल्कि जो होने वाला है वो सच सच बताकर सच का सामना करने की हमें ताकत दिला दी। इतना ही नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं खुद तुम्हें बुला के बताऊंगा। ये कहकर उन्होंने हमारी पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। सच कहती हूँ, जब हमारे जीवन में कोई आपत्ति आती है, और आपत्ति हमेशा अचानक ही आती है, तब हमें किसी मजबूत सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और यही भरभक्कम सहारा हमें परम पूज्य बापू ने दिया। और उस दिन से हम निश्चिंत हो गए। जनवरी 1999 के साधारण 3रे हफ्ते में परम पूज्य दादा ने हमें बताया कि हम हमें निमिष का ऑपरेशन करना है। परम पूज्य दादा की अनुमति लेकर मद्रास मेडिकल मिशन में ऑपरेशन करने का निश्चित हो गया। ये अस्पताल की एक विशेषता ये है कि वहाँ बच्चों का एंजियोग्राफी नहीं करते, क्योंकि वो बहुत पीड़ादायक होती है। बल्कि ऑपरेशन करने के पहले भी सिर्फ 2D एको करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताती हूँ। निमिष अब 3.5 साल का हुआ था और वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 शब्द बोला करता था। परम पूज्य बापू के यहाँ आने के पहले
हम उसे ईएनटी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन ईएनटी डॉक्टरों का कहना था कि निमिष को ईएनटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 26 जनवरी को हम मद्रास गए, 27 जनवरी को निमिष की पूरी चेकअप हो गई, 4 फरवरी की तारीख हमें ऑपरेशन के लिए निश्चित की गई। कैलेंडर में देखा तो वो गुरुवार था, मन को बड़ी तसल्ली मिली। 2 फरवरी को हमें वापस मद्रास जाना था। पूरी तैयारी के लिए हमारे पास सिर्फ 5 दिन थे। ऑपरेशन का खर्चा 3 लाख का अपेक्षित था। इतने रुपयों की तजबीज भी परम पूज्य बापू की कृपा से बिना कोई अड़चन हो गई। मद्रास जाने के पहले जब हम परम पूज्य बापू का आशीर्वाद लेने गए, तब बापू ने हमें कहा, मेरे बच्चों चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ मद्रास में 108% रहूंगा। और फिर वो दिन आ गया। 3 फरवरी को हमने निमिष को एडमिट किया। वहां उसकी पूरी टेस्ट करने वाले थे। हमारी रूम ट्विन शेयरिंग की थी। बाजू के बेड पर एक नासिक का छोटा सा बच्चा था। ब्लड टेस्ट के लिए जब नर्स आ गई तो उन्होंने उसके माँ और पिताजी को कमरे के बाहर जाने के लिए कहा, और खून निकालते समय बच्चा इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हम तो बहुत ही डर गए। लेकिन परम पूज्य बापू के कहीं भक्तों ने हमें कहा था, डोंट कंपेयर पेशेंट विद सदगुरु एंड पेशेंट हु इज विदाउट सदगुरु। निमिष का खून निकालते समय तो कुछ पता ही नहीं चला। रोने के बदले वो अपने पापा के गोद में आराम से बैठा था। यहीं पर बापू ने हमें पहला संकेत दिया कि मैं तुम्हारे साथ साथी हूं। थोड़ी देर बाद हमें हमारे ध्यान में आया कि हमें तो किसी ने बाहर कमरे के बाहर जाने के लिए कहा ही नहीं। कितना प्यार, कितनी करुणा मेरे बापू की। दूसरे दिन सुबह 7 बजे निमिष को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। वहां मद्रास मेडिकल मिशन में 3 एडल्ट्स और 2 छोटे बच्चों का ऑपरेशन एक ही समय पर करते हैं। परम पूज्य बापू ने हमें ऑपरेशन के समय में सतत हनुमान चालीसा का पठन करने के लिए कहा था। ऑपरेशन के पहले रात 8 बजे जब निमिष का 2D एको किया, तब डॉक्टर ने हमें कहा कि निमिष के हृदय में 2 छेद होने के कारण उसका ऑपरेशन मेजर है। ऑपरेशन किस तरह से होगा ये भी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने हमें अच्छी तरह से समझाया। ऑपरेशन के बाद दोपहर को 1 बजे सर्जन डॉक्टर मूर्ति ने हमें उनके केबिन में बुलाया। डॉक्टर मूर्ति ने हमें कहा, आपके बेटे का ऑपरेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ, ऑपरेशन करते समय कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके हृदय में जो 2 छेद थे उसके बदले में हमें सिर्फ 1 ही छेद मिला, और इसके कारण हमने उसका ऑपरेशन पूरा करने के पहले 3 बार ब्लड सर्कुलेट करके देखा कि कहीं लीकेज है क्या, लेकिन कहीं भी लीकेज नहीं था और 1 छेद तो नजर ही नहीं आया। हम दोनों तो इतने चौंक गए कि इतने बड़े असंभव बात को हमारे बापू ने सहजता से इतना आसान कर दिया था। जन्म से लेकर ऑपरेशन के पहले दिन का 2D एको रिपोर्ट, तब तक कायम निमिष के हृदय में 2 छेद थे, और एक ही रात में 1 छेद का मिट जाना, ये तो असंभव ही है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे
बापू के अकारण कारुण्य से ही हुआ था। यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताती हूं, निमिष को 4 दिन के लिए आईसीयू में रखने वाले थे। वहां जब पेशेंट सॉलिड फूड खाने लगता है तो उसे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। कभी कभी इसी कारण 1-2 सप्ताह या 1-2 महीना भी पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है। लेकिन निमिष को तो सिर्फ 2 दिन के बाद ही उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो लड़का 3.5 साल तक 1 या 2 शब्द बोला करता था, वो वार्ड में आने के बाद सब बातें करने लगा। निमिष के बारे में तो हमने यही सोचा था कि जब तक वो बोलता नहीं है, हम उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसके लिए जब वो 5 साल का होगा तभी हम उसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन परम पूज्य बापू ने उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द, जब वो 3.5 साल का था, तब ही करवाया। मद्रास मेडिकल मिशन में हमने देखा, बच्चों के ब्रेन को अशुद्ध खून पहुंचने के कारण उनके दिमाग पर हमेशा का असर हो गया था। और यही सब टालने के लिए परम पूज्य बापू ने मेरे बच्चे का ऑपरेशन जल्द से जल्द, जब वो 3.5 साल का था, तभी कर दिया। और ऑपरेशन डिले के कारण जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनके बारे में हमें अज्ञान में रखकर हमें किसी भी चिंता या टेंशन से दूर रखा। ऑपरेशन के दूसरे दिन जागरण होने के कारण मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और मैं बाजू के होटल में जाकर थोड़ी देर के लिए सो गई। इतने में मेरे सपने में परम पूज्य बापू आए। परम पूज्य बापू मेरे सामने खड़े थे, भव्य दिव्य तेज पुंज लंबे चौड़े बापू। उनको देखते ही तुरंत मैं उनके चरणों में जाके गिर पड़ी। मैंने वहीं पे लोटांगण किया, तभी झटके से मेरी आंख खुली और मुझे याद आया बापू के शब्द, मेरे बच्चों चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ मद्रास में 108% रहूंगा। मद्रास जाने के पहले ही करुणामय बापू ने हमें कितना मजबूत आधार दिया था और उन्हीं की कृपा से उन्होंने मुझे मद्रास में चरण स्पर्श का लाभ दिया। हमारे बापू अपने बच्चों का कितने प्यार से ख्याल रखते हैं, इसी बात का एहसास हुआ। जब मेरी आंख खुली तब मुझे याद आया कि शाम के 5 बजे हैं, बज गए, और मद्रास मेडिकल मिशन में शाम के समय में आईसीयू के पेशेंट को मिलने का वक्त होता है। वहाँ आईसीयू के पेशेंट के रिश्तेदारों का नाम पुकारते हैं और सिर्फ एक रिश्तेदार अपने पेशेंट को जाके सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकता है। ये याद आने के बाद मैं भागती दौड़ती अस्पताल आई, लेकिन वहाँ आने के बाद मुझे समझा कि आईसीयू के पेशेंट को मिलने का वक्त तो टल गया है। मैंने मेरे बच्चे को मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने मन ही मन बापू को पुकारा, मैंने उनकी प्रार्थना की और एकाएक मेरा नाम पुकारा गया। मैं दौड़ती हुई आईसीयू में गई। वहां जाके देखा तो मेरे बच्चे ने टट्टी किया था और वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता था। इसी कारण मैं उसके साथ 15 मिनट आईसीयू में थी। सच बात तो ये है कि मेरे बापू अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या करिश्मा करते हैं। निमिष के जन्म के बाद
मैंने आपको कहा कि दूसरे दिन से मेरी नींद उड़ गई थी और इसी के इलाज के लिए मैं आयुर्वेदिक एलोपैथिक होम्योपैथी सब डॉक्टरों के पास गई। तीन तीन कंपोज ये एरेस्टिल लेके भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। 1998 में जब मैं परम पूज्य सुचित दादा के पास गई तब उन्होंने मुझे कहा अब कंपोज और रेस्टिल जैसी दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना कोई दवा लेते ही सो जाना। और मज़े की बात यह है कि दादा के शब्द सच्चे हो गए, मुझे उस दिन से गहरी नींद आने लगी। देखा कितना कितनी करुणा है मेरे दादा की। अब निमिष परम पूज्य बापू की कृपा से कॉलेज जाने लगा है और उसे किसी बात की कोई भी तकलीफ नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है उसे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू, मेरी नंदाई और मेरी सुचित दादा के कारण ही हुआ है। परम पूज्य बापू, परम पूज्य नंदाई, परम पूज्य सुचित दादा, मैं अंबदने हूँ। हरिओम।